बाइक अभी नहीं आ रही है। जी हाँ, बाइक अभी नहीं आ रही है। बिल्कुल जी, मैं भी बहुत सारी वीडियो देख चुका हूँ, आप भी बहुत सारी वीडियो देख चुके हो डोमिनार के बारे में। आप भी डोमिनार लवर हो, मैं भी डोमिनार लवर हूँ, तभी इतनी सारी हम वीडियोस देख रहे हैं। तो क्या खिचड़ी क्या पकड़ी है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि बजाज इतना लेट क्यों कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बाइक अभी मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। पहले एक रेड कलर में वीडियोज आई थी, अब ग्रीन कलर में वीडियो आ रही है। तो रीजन क्या है इसके पीछे कि बजाज ऐसा क्यों कर रहा है, सिर्फ बाइकों को ऐसे क्यों दिखा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, आप कहां से बाइक को परचेज कर सकते हो, कहां आप बुकिंग करा सकते हो, बुकिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है तो कहां आप बुकिंग करा सकते हो बाइक के लिए, तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। तो बने रहिए, पूरी वीडियो को जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद आप बुकिंग के बारे में जो डिटेल्स हैं उनके नंबर और मैं सब प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो बाइक में क्या क्या चेंज हुए हैं, तो ये तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट उसमें बता देता हूं कि बाइक में एक तो मेन हमारा एग्जॉस्ट चेंज हुआ है, और अप डाउन फोक जो दिए गए हैं, जो शॉकर जिनको हम बोलते हैं, तो वो अप डाउन फोक दे दिए हैं। और जो हमारे जो मीटर के अंदर जो हमारी नोटिफिकेशन होती थी स्टैंड वगैरह की और गियर इंडिकेशन का, तो वो सब इन्होंने दे दिया है। तो ये तो आप लोगों को भी पता है, बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर की जो बाइक है जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये क्या है, बजाज ऐसे ये वीडियोज़ क्यों आ रही है, बाइक आप लोगों को क्यों नहीं मिल रही, तो इसके बारे में बात करते हैं। में थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, तो बजाज बाइक जो थी वो जब लॉन्च करी थी इन्होंने डोमिनार 400 को, तो इन्होंने सोचा था कि बाइक की जो सेल है वो कम से कम महीने की 10,000 तो जानी चाहिए, जो कि इनकी कभी नहीं गई। सबसे मेन रीज़न ये इनकी जो मार्केट है, जो इनके जो डाउन हुए हैं, उसका मेन रीज़न है कि इन्होंने जो रॉयल इनफील्ड है उनके साथ एक वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से लोगों ने इस बाइक को पसंद तो बहुत लोगों ने करा है इस बाइक को, लेकिन वो एक नेगेटिविटी जो है वो फैल गई, जिससे जो हमारे जो रॉयल फील्ड लवर हैं वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते इस बाइक को। वो जैसे होता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान का, तो वैसा एक मंच सा बन गया है, वैसी एक स्टेज सी बन गई है, तो जिसकी वजह से जो रॉयल फील्ड वाले लोग हैं वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, और इसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन गई है, क्योंकि जो रॉयल फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अपर है और वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकती है। तो बजाज वालों ने सबसे मेन स्टेप तो यही गलत उठा दिया कि उसके कंपैरिजन में इसको दिखा दिया, तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप लोग जो अभी ग्राफ देख रहे हो, तो आप इसमें देखो कि 2018 से और 2019 से बाइक जो है हमारी तो कितनी बिक रही है, और रॉयल फील्ड की जो बाइक है वो कितनी बिक रही है। तो हटाओ इन सबको, तो मेन जो चीज़ पे हम आते हैं कि जो ग्रीन कलर की जो बाइक है वो हमें जो अभी बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, बाइक दो तीन बाइक ही हैं लेकिन वीडियो बनाने वाले बहुत सारे हैं उसके ऊपर, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कंपनी ने बजाज ने जो लास्ट अभी हमारा जो दिसंबर जनवरी गया है उसमें जो बाइक की जो सेल है वो बिल्कुल ना के बराबर ही थी, मतलब कि ये लगा लो 150 के आसपास बाइक इनकी बिकी है। तो उसके बाद इन लोगों ने ये एक जो ग्रीन कलर जो निकाला है, ये कावासाकी जो बाइक है अपनी, और उसके थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। अब बात करते हैं कि जो बाइक डोमिनार ने निकाली है ग्रीन कलर की, वो इसलिए निकाली है, और मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, ये बाइक जो निकाली है पूना में निकाली है सिर्फ लोगों के व्यूज़ जानने के लिए, और ये वहाँ पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना के, एक स्टेज बना के उस पर छोड़ा गया है, जिससे कि बहुत सारे बंदे आके वीडियो बनाएं अपनी और बाइक के बारे में डालें, लोगों के व्यूज़ बजाज वालों को मिले कि हाँ भाई अब तो बाइक ठीक है, और लोग बाग काफ़ी ज़्यादा देखे इस बाइक को। थोड़ा सा लेट इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के अंदर है ना बाइक लेने की एक वो जगह रही कि यार फटाफट मैं बाइक लूँ, यार यही वाली बाइक लूँ मैं, या कोई दूसरा बंदा भी हाल में बाइक ले रहा है तो वो रुक जाए थोड़ा सा। तो ये एक मार्केट होती है जिस टाइप से ये लोग कर रहे हैं। दूसरा, आप लोगों को मैं बोलूंगा कि जब आप बुकिंग कराना चाहते हो तो नियर बाय दिल्ली में और सोनीपत में काफ़ी सारे शोरूम में घूमा हूँ, तो वहाँ के लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, और हम बुकिंग करा सकते हैं। मैं आप लोगों को हमारी जो नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन है, मैं उसमें सारा लिंक आप लोगों को दे दूंगा कि आप किससे बात कर सकते हो। बुकिंग स्टार्ट हो गई है बाइक की, लेकिन बाइक अभी नहीं आ रही है। जी हाँ, बाइक अभी नहीं आ रही है, बाइक अगले महीने आप लोगों को देखने को मिलेगी, इस महीने नहीं आ रही है।
अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल में बाइक लॉन्च होगी, और हो सकता है मार्च के एंड में, बिल्कुल एंड में, 1-2 तारीख, बिल्कुल जैसे कि 30 और 29 तारीख को हो सकता है। बट जहां तक मैंने पता करा है, शोरूम वालों से पूछा है, तो वो सब कह रहे हैं कि अप्रैल में ही बाइक आएगी। बुकिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ कस्टमर से बुकिंग जो हमारे शोरूम वाले हैं, कुछ शोरूम हमारे कस्टमरों से बुकिंग ले रहे हैं 500 रुपए, 500 रुपए में बाइक बुक हो रही है, और कुछ ले रहे हैं 5,000, कुछ ले रहे हैं 10,000। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, नीचे मैं तीनों चारों के नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप उन पे कॉल कर सकते हो, उनसे नॉलेज ले सकते हो बाइक के बारे में। तो मैं तो खुद जाके वहां पता करके आया था बाइक के बारे में। तो अभी बात करते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। बाइक का जो प्राइस है वो 180 के आसपास आपको पड़ेगा, 188, मतलब 1,88,000, और उसके ऊपर आप लोगों को जो इंश्योरेंस होता है वो सब इंक्लूड होगा, और 5 साल की जो वारंटी होती है वो सब मिलेगी आप लोगों को। तो यही सब है, और आप लोग बुकिंग करा सकते हो, और प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। जो नई 2019 में जो बाइक आ रही है उसका जो प्राइस है वो 20,000 रुपये बढ़ा है, 20,000 रुपये बढ़ा है। तो आप लोगों को ये लगा लो 2,20,000 के आसपास बाइक आपको पड़ेगी। तो इस बजट में आप लोगों को कोई और अच्छी बाइक मिल रही है तो आप ले सकते हो, क्योंकि पहले जो बजाज बाइक का, जो डोमिनार का जो प्राइस था वो 2 लाख से नीचे या 2 लाख के आसपास रहता था, लेकिन अब 2 लाख से ऊपर हो गया है, ये मान लो आप 2.25 लाख रुपये हो गया है। तो आप लोग RC वगैरह कराओगे तो 2,30,000 रुपये आपकी बाइक का पड़ ही जाएगा ना चाहते हुए भी। तो यही सब है जो मैंने मार्केट में पता करा था। तो ये जो ग्रीन कलर की जो बाइक है वो इसलिए मार्केट में आई है, इसलिए वीडियोस बन रही है, ताकि बाइक जो लेने की जो चाह है लोगों में एकदम से बूम करे। और बाइक के अंदर जो कलर हैं वो कलर तो मैं आपको बोलूंगा नहीं कि ग्रीन कलर आ रहा है, जहां तक मैंने पता करा है शोरूम पे, और आप भी पता कर सकते हो इन्हीं नंबरों पे। तो उन लोगों ने जो मेरे को बताया कि भाई जो ग्रीन कलर है वो सिर्फ एज ए पब्लिक को दिखाने के लिए, और जो मार्केट में निकाले हैं वो कुछ पीसीज निकाले हैं, बट हो सकता है कि ये भी ग्रीन कलर भी मार्केट में आए, बट ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक और रेड कलर जो है वो इस 2019 के मॉडल में आप लोगों को देखने को मिलेगी बाइक। और बाइक जो लेट होने का जो रीजन है कि इतना लेट बाइक क्यों हो रही है, तो बाइक जो लेट होने का जो रीजन है कि इतना लेट क्यों हो रही है लॉन्चिंग में, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो अभी हाल ही में पूना में ट्रायल चल रहा है, जो ग्रीन कलर की जो आप बाइक देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे भी, और जो वीडियोस आप लोग देख चुके हो, तो जो बाइकें हैं वो ट्रायल के लिए निकाली गई हैं। बजाज वालों ने एक रिव्यू लेने के लिए बाइक निकाली कि क्या है बाइक के अंदर और क्या कैसा लोगों को लगता है, क्या छोटा मोटा और चेंज कर सकते हैं बाइक के अंदर। तो वो सब बजाज वालों ने थोड़ा सा टाइम लिया है, तो 1 महीना और लगेगा पूरा अभी बाइक को लॉन्च होने में। तो वेट करिए आप और देखते रहिए ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे साथ, मैं भी देखता रहूँगा। और मेरे को कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है या फिर कोई ऐसा कोई अपडेट मेरे को मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा वीडियो के थ्रू। तो बाय, थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।